हेलो भाइयों, साथियों और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस में। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको आप लोग को पता है कि हम कल मुगल्स साम्राज्य स्टार्ट किए थे, जिसमें कि पहला शासक कौन हुआ? बाबर हुआ। और आज हम कल बाबर को ख़त्म कर चुके थे। आज हम आपके सामने MCQ के रूप में हुमायूं यानी बाबर के बेटा हुमायूं के बारे में आज आप लोग को देखना है। सारा MCQ वन बाय वन करके देखना है, ठीक है। आज के पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? आप लोग को बताना है हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। हुमायूं का चार पुत्र था। कितना पुत्र था? चार पुत्र, ठीक है। उसमें से एक हुमायूं, जो बाबर का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका जन्म 17 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। 17 मार्च 1508 को कहाँ हुआ था? काबुल में। ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 17 मार्च 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म काबुल में होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, हुमायूं की माता का नाम क्या था? महम अंगा। इसकी माता का नाम था क्या था? महामंगा। और गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। कौन थी? गुलबदन बेगम, ठीक है, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी, गुलबदन बेगम ने किया था, ठीक है। इसकी माता का नाम क्या है? महम अंगा थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं का चार भाई, एक हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, ठीक है। ये चार भाई थे यानी बाबर के चार पुत्र थे। चारों का नाम क्या था? कमरान, अस्करी, हिंदाल और एक था हुमायूं था, ठीक है। उस्मान बाबर का पुत्र नहीं था, हुमायूं का भाई नहीं था। कौन नहीं था? ये उस्मान नहीं था। बाकी चारों क्या है? हुमायूं का भाई था और बाबर का चारों पुत्र था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्मान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने जब 29 दिसंबर 1530 को आगरा में काबुल साम्राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। जब उसमें 1530 ईस्वी में उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ, तो उस समय उसका उम्र महज कितना था? 23 वर्ष था, ठीक है। और आज जो गद्दी पर बैठा, कौन गद्दी पर बैठा था? महज 23 वर्ष की उम्र में नासिरुद्दीन हुमायूं 23 वर्ष की उम्र में क्या किया था? 1530 में गद्दी पर बैठा था। किसका उत्तराधिकारी था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नासिरुद्दीन हुमायूं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? बाबर का जिस समय मृत्यु हुआ था, ठीक है, उस समय उत्तराधिकारी के रूप में
प्रधानमंत्री कौन था? मीर खलीफा था, जिसने हुमायूं के स्थान पर किसे पसंद किया था, उत्तराधिकारी किसे पसंद किया था? मेहदी ख्वाजा को क्या किया था? पसंद किया था। किसने पसंद किया था? प्रधानमंत्री मीर खलीफा ने पसंद किया हुमायूं के स्थान पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मेहदी ख्वाजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का सूबेदार था? बदख खां का सूबेदार हुमायूं था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख खां का सूबेदार था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी, बदख खां का सूबेदार कौन था? हुमायूं था, दिल्ली गद्दी बैठने से पहले। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित है, युद्ध स्थलों का क्या नाम अंकित है? ठीक है, ये क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए इसमें बता रहे हैं, पहले क्या हुआ, दौरा यहाँ लिखा हुआ, लेकिन देवरा होगा, यहाँ पे देवरा का युद्ध हुआ पहले। ठीक है, 1531 में। ठीक, उसका चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। कन्नौज कहे तो बिलग्राम का युद्ध क्या हुआ था? 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। ठीक है, ये चारों सही क्रम में है युद्ध में। ठीक है, पहले क्या हुआ, देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। ठीक है, और कालानुक्रम के अनुसार देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देवरा, चौसा, बिलग्राम या कन्नौज, सरहिंद। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देहोड़िया का युद्ध, वही देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? देवरिया के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? महमूद लोदी को किसने पराजित किया था? हुमायूं ने किस युद्ध में? देवरिया के युद्ध में, जो कि कब हुआ था? 1531 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो कि हमें मोटिवेशन मिल पाए और हम अच्छे से अच्छे आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया, पहली बार आक्रमण कब किया है? 1532 में चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1532 में हुमायूं द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किला का घेराबंदी किया, उस समय किला में कौन था? उस समय किले में शेर खां, अफगान नायक
शेर खां था। ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। अफगान नायक शेर खां था, ठीक है, उसमें कौन था, अफगान नायक शेर खां था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेर खां किसने चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया? किसने चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किसने किया था? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का नाम ही क्या था, शेर खां था। बचपन का नाम क्या था इसका, बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, फरीद खां, ठीक है। और शेर शाह द्वारा ये चौसा युद्ध में पराजित हो जाता है। 25 जून 1539 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। क्या किसके बीच लड़ा गया, हुमायूं और शेर शाह के बीच यह युद्ध लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। शेर खां यानी शेर शाह हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध कब हुआ? जस्ट हम अभी बताएं आप लोगों को, क्रम के अनुसार बताएं अभी सब, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज बोले या बिलग्राम बोलिए, एक ही चीज़ है दोनों, कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग एग्ज़ाम में। बिलग्राम बोले या कन्नौज बोले, दोनों एक ही युद्ध है, ठीक है। 17 मई 1540 ईस्वी में यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? बिलग्राम युद्ध के पश्चात, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के पश्चात उसे क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया हिंदुस्तान से, हुमायूं को बाहर कर दिया गया बिलग्राम युद्ध के बाद उसे क्या किया, बाहर कर दिया हिंदुस्तान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध में पराजय के बाद, हारने के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? हारने के बाद हुमायूं ने अपना जीवन कहाँ निर्वासित किया, सिंध पे। जब ये युद्ध हार जाता है, हुमायूं युद्ध जब हारता है तो अपना जीवन कहाँ निर्वासित करता है, कहाँ करता है, सिंध में अपना जीवन को निर्वासित करता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सिंध में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री किसके साथ 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया? किसके साथ 29 अगस्त 15 को निकाह कर लिया? हमीदा बानू बेगम के साथ इसने क्या किया, निकाह कर लिया। जब कन्नौज युद्ध हारा तो वहाँ से वह क्या, निर्वासन के दौरान कहाँ चल गया था, सिंध चला जाने के बाद अली अकबर जामी की पुत्री जिसका नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, 29 अगस्त 1541 को हुमायूं के साथ निकाह कर लिया, ठीक है। इसका निकाह कब हुआ, 29 अगस्त 1541 को क्या किया, निकाह कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हुमायूं एवं नसीब खां तथा तारत खां के बीच 1555
ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, 1555 में कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ, हुमायूं एवं नसीब खां, तातर खां के बीच। तातर खां और नसीब खां दोनों एक साथ था और हुमायूं अलग था, मतलब इन दोनों के बीच कौन सा लड़ाई लड़ा गया था 1555 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया था 1555 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं एवं नसीब खां तथा तारत खां के बीच लड़ा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई, किस विजय के फलस्वरूप इसको मुगल की सत्ता की पूर्ण स्थापना का हुमायूं को मिली, ठीक है, किस विजय के फलस्वरूप। सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद इसे दोबारा मुगल गद्दी पर बैठने का मौका मिला, किसको मिला, हुमायूं को, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद दोबारा मुगल साम्राज्य पर अधिकार करने का इसे मौका प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद का युद्ध में हुमायूं द्वारा किसे पराजित किया गया, सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के द्वारा पराजित किया गया सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया गया किस युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में इसे पराजित किया गया, किसके बीच हुआ है, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हुमायूं द्वारा दिल्ली गद्दी पर कब बैठा, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हुमायूं द्वारा दिल्ली गद्दी पर कब बैठा, 23 जुलाई 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, दोबारा क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 23 जुलाई 1555 को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर क्या किया, बैठ गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान किसने नेतृत्व किया था, हुमायूं ने किया था, किसने किया था, हुमायूं ने। निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था सैन्य अभियान का नेतृत्व, किसने किया था, हुमायूं ने किया था। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हुमायूं। प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, हुमायूं ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, हुमायूं था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, हुमायूं था। गुजरात में पहला सैनिक सफलता आक्रम कौन था, हुमायूं था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हुमायूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था,
पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हुमायूं ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? पुराना किला का निर्माण जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है, हुमायूं ने करवाया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हुमायूं। क्या होगा? ऑप्शन सी हुमायूं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय में। किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय में। भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय में। आप लोग ये बताइए, आप लोग मन से पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? टाइम पास करने का अब समय नहीं रहा आप लोग के पास, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला। हम बार बार इसलिए चीज़ को दोहराना इसलिए चाहते हैं कि आप लोग को याद रहे कि एग्ज़ाम हमको देना है और एक सीट को सिक्योर करना है। इसलिए हम इस चीज़ को हमेशा रिपीट करते रहते हैं कि आप लोग सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ते चलिए, जिससे आपका रिजल्ट हो पाए। और साथ ही फिजिकल भी करते रहिए आप लोग, किसी फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। आप लोग कमेंट करिए, जो भी परेशानी होता है, जो भी दिक्कत होता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम सारा कमेंट का जवाब आप लोग को देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए, और हम इसके बाद मुगल ख़त्म होने के बाद और आगे जो इसके बाद है वो लेके आएंगे। साइंस भी चल रहा है, करंट भी चल रहा है, जनवरी करंट ख़त्म हो चुका है और साइंस में भी ख़त्म, लाइट का एक चैप्टर, लाइट का एक पार्ट और बाकी है। पार्ट वन अपलोड हो चुका था और पार्ट टू होने वाला है, ठीक है, जल्द होने वाला है। अभी क्या चल रहा है? मुगल काल चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस मुगल सम्राट ने के दौरान शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं के दौरान, ठीक है, हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया, ठीक है। पहला बार किया था कब? 1530 में जब गद्दी पर बैठा था, उसके पिता के उत्तराधिकारी बना, ठीक है, उत्तराधिकारी बना। दूसरा बार कब बना? 1555 में जब सर हिंद का युद्ध जीता था। पहला बार कब जीता? पहली बार शासक बना और दूसरी बार शासक बना। पहली बार बना 1555 में जो सर हिंद युद्ध में जीतकर, और पहला बार उत्तराधिकारी बाबर का बन के पहला बार आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं। किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हुमायूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया हुमायूं ने। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में किस दुर्ग का निर्माण कराया? दीन-ए-पनाह क्या था? एक पुस्तकालय था उसमें, क्या था? पुस्तकालय था, दीन-ए-पनाह, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दीन-ए-पनाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हुमायूं ने बंगाल के गौर क्षेत्र का क्या नाम रखा? जनताबाद रखा इसका नाम। बंगाल के गौर क्षेत्र का क्या नाम रखा था हुमायूं ने? जनताबाद। हुमायूं ने बंगाल के किस क्षेत्र को
गौर क्षेत्र को क्या नाम रखा? जनताबाद, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जनताबाद इसने रखा। गौर क्षेत्र का नाम क्या रखा? जनताबाद। आगे बढ़ते हैं, जनता है, जनता नहीं है, ठीक है, जनताबाद इसने रखा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? चित्रकला का मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? हुमायूं के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हुमायूं के शासनकाल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी, मुगल चित्रकला की आधारशिला यानी नींव किसने रखी थी? चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अकबर, अकबर द्वारा मुगल चित्रकला का आधारशिला रखा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर-ए-अखबार की उपाधि प्रदान की? हुमायूं ने किस विद्वान को अमीर-ए-अखबार की उपाधि प्रदान किया था? ख्वादमीर को अमीर-ए-अखबार की उपाधि से सम्मानित किया, किसने किया था? हुमायूं ने किया था, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वादमीर, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है, कौन करता है चित्रण? कानून ए हुमायूनी चित्रण करता है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? ख्वादमीर के द्वारा लिखी गई, जिसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे सम्मानित किया था? ख्वादमीर को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? आप लोगों को पता ही है, जस्ट हम बताए भी थे अभी इसके पहले शुरुआत के दौर में ही, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी हुमायूं, ठीक है, कौन थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम राइट आंसर, गुलबदन बेगम, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिल्ली। आगे बढ़ते हैं,
दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? हाजी बेगम, हाजी बेगम के द्वारा क्या बनाया गया? हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके, किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा को बनवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? हाजी बेगम ने क्या किया था? हुमायूं का मकबरा को बनवाया था हाजी बेगम ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी। आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है, जो और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ताजमहल के पूर्व रूप की तरह क्या होता है? प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, हुमायूं का मकबरा, जो ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है। ताजमहल का पूर्व रूप जैसा क्या होता है? प्रतीत होता है। वो कौन सा मकबरा है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जिसे हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया था? दिल्ली का, हुमायूं का मकबरा बनाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। कौन सा बड़े उद्यान केंद्र में स्थित है, जो ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? पूर्व रूप जैसा प्रतीत क्या होता है? हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? भारतीय, फारसी, फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। क्या है उदाहरण? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा क्या है? भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन सी और राइट आंसर, हुमायूं का मकबरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। मकबरे की स्थापत्य कला चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? हुमायूं के मकबरा में सर्वप्रथम क्या होता है? प्रयोग में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हुमायूं के मकबरे में चार बाग व्यवस्था का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? श्रद्धांजलि का प्रतीक किसे माना जाता है? वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है हुमायूं का मकबरा को माना जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्या होगा? हुमायूं का मकबरा होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? जस्ट अभी बताएं आप लोग को, हाजी बेगम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाजी बेगम। अपने पति के लिए मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें। अपने जो बच्चा पढ़ने में इच्छुक हो, उसे इस वीडियो को अब बस वहाँ तक पहुँचाएं, जिससे कि वो पढ़ाई कर सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह वो शहजादे दफनाए गए थे। कितने बादशाह और शहजादे को दफनाए गए थे हुमायूं के मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह और शहजादे को दफनाए गए, कितने शहजादे को या बादशाह को दफनाए गए थे? छः हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था, 6 को। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 40 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं।
किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यतंग करते हुए लेनपुल, लेनपुल कौन था, एक इतिहासकार था, लिखा, लेनपुल ने क्या लिखा, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। किसके जीवन का अंत हुआ, हुमायूं के जीवन का अंत हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी हो राइट आंसर, हुमायूं के जीवन का अंत हुआ। वह जीवन भर क्या किया, ठोकर खाता रहा, यहाँ से वहाँ भटकता रहा और अंत में ही वो ठोकर खाकर पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। पुस्तकालय के सीढ़ियों से, जो कि दीन अपना नगर में एक पुस्तकालय था, जिससे गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यही एकमात्र शासक था जो 7 दिन में 7 कपड़ा बदलता था, 7 सप्ताह में 7 दिन में 7 कपड़ा चेंज करने वाला शासक हुमायूं था। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, हुमायूं। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हो गया। बादशाह हुमायूं की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई, सीढ़ियों से गिरने के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सही जवाब ऑप्शन ए, जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु कब होती है, 1 जनवरी, यहाँ पे क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाता है और इसका अंत हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे इसके टॉपिक्स के बाद, सिरसा पढ़ेंगे। ठीक है, आज हुमायूं से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे टॉपिक से, सारा हम आपके सामने ला के रखे हैं एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, इसे आप हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग को देखना है और स्किप नहीं करना है। स्किप करने पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग को। वीडियो जब देखना है तो कुछ समय दीजिए और इसको अच्छे ढंग से देखिए और इसे कंटिन्यू पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए हम लास्ट क्वेश्चन ले था ये आज का सेशन का, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।